सब्सक्राइब कीजिए टेक जी चैनल को और बेल आइकन का दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपको लिनोवो K8 Plus का एक गेमिंग रिव्यू देने वाला हूँ, तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले कुछ हल्के गेमों से शुरू करते हैं। तो मैं टेम्पल रन 2 खेल के देख रहा हूँ, तो चलिए देखते हैं ये कैसे टेम्पल रन 2 को हैंडल करता है। तो दोस्तों इसका डिस्प्ले की बात किया है, तो दोस्तों इसका डिस्प्ले तो बहुत ही अच्छा आ रहा है, आप देख सकते हैं। और इसका आपको 5.2 इंच का एक फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाता है। और दोस्तों प्रोसेसर की बात किया है, तो दोस्तों यहाँ पे मीडियाटेक हीलियो P25 का एक प्रोसेसर मिलता है, जो एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और जो 2.5 GHz पे काम करता है। तो दोस्तों टेम्पल रन 2 तो ये बड़ी आसानी से हैंडल कर रहा है, देख पा रहे हैं। टच रिस्पॉन्स भी बहुत ही बढ़िया आ रहा है, देख सकते हैं। तो आप थोड़ा बहुत देख लीजिए गेम प्ले। तो दोस्तों टेम्पल रन 2 तो बड़ी आसानी से हैंडल कर रहा है, तो चलिए देखते हैं एस्पल इट प्ले करके क्या होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं एस्पल इट प्ले करके किस तरह से एस्पल इट को हैंडल करता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मैं एस्पल इट प्ले कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये गेम हाई ग्राफिक्स में है दोस्तों, गेम का सेटिंग्स, साउंड भी फुल है। चलिए देखते हैं साउंड क्वालिटी की बात की है, तो दोस्तों बहुत ही क्लाउड आउटपुट आपको मिल जाता है, बहुत ही अच्छा एक साउंड क्वालिटी है। दोस्तों अभी तक तो मुझे कोई लैग या फ्रेम ड्रॉप नजर में नहीं आ रहा है, तो मैं थोड़ा ड्रिप करके देखता हूँ। दोस्तों हाई ग्राफिक्स तो बड़ी आसानी से हैंडल कर रहा है, आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से हाई ग्राफिक्स को हैंडल कर रहा है, आप देख सकते हैं। कोई लैग या फ्रेम ड्रॉप मुझे नजर में नहीं आ रहा है, ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से हाई ग्राफिक्स को हैंडल कर रही है, देखिए। तो आप थोड़ा बहुत देख लीजिए गेम प्ले, मैं और थोड़ा डिलीट करके कोशिश करता हूँ कि लैग होता है कि नहीं। लैग तो कोई नहीं आ रहा है, देख सकते हैं हाई ग्राफिक्स बड़ी अच्छी तरह से। अगर हीटिंग कंडीशन की बात की है, तो दोस्तों अभी तक तो कोई हीट मुझे नहीं लग रहा है, मैं बाद में हीट भी चेक करूंगा इसका। दोस्तों एस्पल इट खेलने के बाद देख सकते हैं आप, यहाँ पे टेम्परेचर 42 डिग्री तक पहुँच चुका है, तो थोड़ा गर्म है बैक में, लेकिन ये नॉर्मल टेम्परेचर ही है मेरे हिसाब से। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मैं आप मॉडर्न कॉम्बैट 5 प्ले करके देख रहा हूँ, तो चलिए देखते हैं ये मॉडर्न कॉम्बैट 5 को किस तरह से हैंडल करता है। तो दोस्तों मैं ये गेम हाई ग्राफिक्स में खेल रहा हूँ। तो अभी तक तो मुझे कोई लैग या फ्रेम ड्रॉप नजर में नहीं आ रहा है, गेम भी बहुत ही स्मूथ चल रहा है, आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ चल रहा है गेम, कोई है लैग या फ्रेम ड्रॉप तो मुझे नजर में नहीं आ रहा है अभी तक। तो ग्राफिक्स हो तो इसका बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हैं इसका ग्राफिक्स बहुत ही बढ़िया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए
बहुत ही बढ़िया एक ग्राफिक्स आपको मिल जाता है। तो जैसे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से ये मॉडर्न कॉम्बैट 5 को हैंडल कर रहा है। देखिए मुझे तो कोई लैग या फ्रेम ड्रॉप नज़र में नहीं आ रहा है, ये देखिए। और इसकी हीटिंग कंडीशन की बात करें तो दोस्तों इसका हीट तो अभी तक मुझे कोई इसका हीटिंग कंडीशन मुझे नहीं लग रहा है, बैक बिल्कुल नॉर्मल है इसका हीटिंग कंडीशन। आपको मैं इसका हीटिंग कंडीशन में गेम खेलने के बाद दिखाऊंगा, तो आप थोड़ा बहुत देख लीजिए गेम पे। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मॉडर्न कॉम्बैट 5 खेलने के बाद यहाँ पे 38 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच चुका है। तो एस्पालिट में ये थोड़ा ज़्यादा गर्म हुआ था, इस बार थोड़ा कम गर्म हुआ है। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर ही है, एस्पालिट भी नॉर्मल टेम्परेचर ही था। तो चलिए GTA Vice City प्ले करके देखते हैं क्या होता है। दोस्तों मैं अब GTA Vice City प्ले कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसका सेटिंग हाई ग्राफिक्स में है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं ये GTA Vice City को किस तरह से हैंडल करता है। GTA Vice City भी ये बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल कर रहा है, आप देख सकते हैं। और लैग या फ्रेम ड्रॉप तो नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं ये देखिए। तो थोड़ा बाइक चला के भी देख लेते हैं। बाइक भी बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है, ये देखिए। तो आप थोड़ा बहुत देख लीजिए गेम प्ले। मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है, जैसे कि आपने देखा कि ये ज़्यादातर हाई ग्राफिक्स गेम को बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल कर रहा है। और हाई ग्राफिक्स में तो मुझे कोई लैग या फ्रेम ड्रॉप नज़र में नहीं आया। और इसके हीटिंग कंडीशन की बात करें तो दोस्तों इसका हीट भी बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही कंट्रोल रहता है इसका हीट। तो दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको कोई सवाल या सुझाव हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसे बोल सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।